हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? दोस्तों, आज हम चंडीगढ़ से इकट्ठे होकर सफ़र करने जा रहे हैं और सफ़र की शुरुआत हो चुकी है जीरकपुर हाईवे से। और जो आप सामने देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर है जीरकपुर, बहुत ही बढ़िया हाईवे बना हुआ है। अब हम चंडीगढ़ में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में पेट्रोल सस्ता है तो थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी। अब हम पेट्रोल भरवा चुके हैं गाड़ी में, टैंकी फुल हो चुकी है, स्पीड पेट्रोल डलवाया ताकि थोड़ी एवरेज भी मिल जाए। और हम अब बाहर निकल रहे हैं पेट्रोल पंप से। यह चंडीगढ़ का 33 सेक्टर, आप देख सकते हैं, हरियाली से पता लग जाता है क्योंकि बहुत हरियाली है 33 सेक्टर में। और यहाँ पर एक टेरिस गार्डन भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। अगर आप कभी चंडीगढ़ आए तो इस गार्डन में जरूर आना। चलो सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम 33-34 की लाइटों पर खड़े हैं। और अगर आप कभी भी चंडीगढ़ में ट्रैवल कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। अपने व्हीकल को ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा कीजिए। और सामने ये जो अंकल खड़े हैं, इन्होंने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है। इनकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गए, वरना इनका चालान तो पक्का था। पर दोस्तों, आप ये गलती अगर चंडीगढ़ में ड्राइव कर रहे हो तो ये गलती मत कीजिएगा। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती इन अंकल की तरह। दोस्तों, इस वक्त हम नेशनल हाईवे 205 पे हैं। हम खरड़ को पास कर चुके हैं और रोपड़ की ओर जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप हमारे सफ़र में एंड तक रहिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें सारी जानकारी देंगे कि कैसे हम आगे लखनपुर पहुंचेंगे, फिर लखनपुर से हम कैसे क्रॉस करेंगे, वहाँ पे क्या सामान लगेगा। अभी हमको भी नहीं पता है कि हमारा कोविड टेस्ट होगा कि नहीं होगा, हम आगे लखनपुर से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कि वहाँ को वापस भेज दिया जाएगा, ये अभी हमको भी नहीं पता है। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भी देख सकें कि आगे क्या होता है, क्या हम लखनपुर क्रॉस कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो फिर वो कैसे होता है, क्या हमारा कोविड टेस्ट होता है या सिर्फ अपने डिटेल्स देने के बाद हम वहाँ से हम आगे जा सकते हैं। दोस्तों, हम रोपड़ पहुँच चुके हैं नए रास्ते के ज़रिए, क्योंकि जो पुराना रास्ता था उस रास्ते पे अनंतपुर साइड के लिए एक अलग से रास्ता कटता है और पठानकोट साइड अगर आपको जाना है तो अलग से रास्ता कटता है। तो इस वक्त हम नए रास्ते से जा रहे हैं और ब्रिज को पास कर रहे हैं। ये बहुत ही नया ब्रिज है और बहुत ही अच्छा ब्रिज बना हुआ है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब हम पहले जाते तो खड्डे इतने होते थे, गाड़ी की तो हालत ख़राब हो जाती थी, गाड़ी की क्या अपनी खुद की हालत ख़राब हो जाती। बट अब इस नए रास्ते से जाने में बहुत मज़ा आ रहा है और गाड़ी भी स्मूथ चल रही है। अब हम बलाचौर बाईपास से होते हुए बलाचौर मैकडॉलैंड को क्रॉस करते हुए रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, मज़ा आ रहा है ड्राइव करते हुए। इतनी थकावट नहीं महसूस हो रही जैसी कि पहले होती थी जब गड्ढे बहुत ज़्यादा होते थे, तब तो यही नहीं पता चलता था कि हम सड़क पे चल रहे हैं कि गड्ढों पे चल रहे हैं। अब हम होशियारपुर पहुंच चुके हैं, अब होशियारपुर से हम दसुआ की ओर जा रहे हैं। जब हम होशियारपुर क्रॉस कर रहे थे तो भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो होशियारपुर बाज़ार क्रॉस करने के बाद हमें एक शकरकंदी वाला ठेला मिला,
तो 20 रुपए की यहाँ पे एक प्लेट थी, तो हमने 2 प्लेट ली और अपनी भूख मिटाई। अब हम दसुआ पहुंच चुके हैं और सड़कों में काफ़ी रश है त्यौहार का सीज़न होने की वजह से। अब हम दसुआ से सीधा मुकेरिया की ओर जा रहे हैं। अब हम मुकेरियाँ तलवाड़ा मोड़ पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही किलोमीटर आगे मुकेरियाँ से जो गुरदासपुर की ओर एक नया रास्ता बना है वो है, और जहाँ से आप गुरदासपुर दीनानगर जा सकते हैं। अब आपको गुरदासपुर जाने के लिए पठानकोट से घूमकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस नए रास्ते से भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है और जो एक पहले पुराना लक्कड़ का ब्रिज था उसे बदल कर कंक्रीट ब्रिज बन चुका है, और बहुत ही अच्छा व्यू भी है वहाँ पे। हम डमटाल क्रॉस करके पठानकोट की ओर जा रहे हैं, और पठानकोट से पहले जो पहाड़ियाँ आती हैं अभी हम उस पर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों ने क्लेम किया कि उनको रात को तेंदुआ भी दिखाई देता है, तो रात हो चुकी है तो हम भी एक्साइटेड हैं, क्या पता हमें भी दिख जाए। अब हम सुजानपुर माधोपुर से होते हुए लखनपुर की ओर जा रहे हैं, और ये ब्रिज जो है ये लखनपुर और माधोपुर को जोड़ता है। अब हम लखनपुर बैरियर में पहुंच चुके हैं और पुलिस द्वारा काफ़ी सिक्योरिटी टाइट की हुई है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं सभी गाड़ियों को एक कतार में खड़ाया जा रहा है ताकि वो आराम से पार्क कर पाए गाड़ी और पास बनाने के लिए ऑफिस में जा सके। अब देखते हैं आगे कहाँ पे हमें ऑफिस में जाना है और कौन सा पास बनवाना है। यह है लखनपुर, और इस वक्त कोरोना की वजह से
गाड़ियों की एंट्री बंद है और आप देख सकते हैं सभी गाड़ियां यहाँ पे कतार में खड़ी हुई, किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। ये पुराना रास्ता जो कि बंद कर दिया गया है, सिर्फ ट्रक ही जा पा रहे हैं वहां से। ये ऑफिस है जहां पे आपको फॉर्म फिल करना होता है, आपको बताना होता है कारण, किस कारण से आप जा रहे हैं। आप उचित रहेगा कि आप ऐसे समय में आए जिस समय में रश कम हो। इस वक्त शाम के 6-7 बज रहे हैं और काफ़ी रश है और काफ़ी भीड़। और इस वक्त हम ऑफिस एरिया में एंटर कर चुके हैं। जैसा कि सुना था, सोचा था, उससे बिल्कुल ही विपरीत, सरकार द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से इंतज़ाम किया गया है। और आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन किया गया है बैनर्स द्वारा कि जो पास बनने का समय है वो सुबह 7:30 से लेकर शाम के 7:30 बजे तक ही है। इस दौरान आपकी सरकार द्वारा पूरी सहायता की जाएगी। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं तो हम समय सीमा से पहले ही पहुंच चुके हैं और देखते हैं आगे का प्रोसीजर, हमें क्या करना है। अब दोस्तों, आपके सामने 3 स्क्रीन आपको शो हो रही हैं, 3 विंडो। एक विंडो के अंदर आपको ऑफिस के बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है जहाँ पे पुलिस द्वारा पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और सभी गाड़ियों को कतार में खड़ा करवाया जा रहा है। और दूसरी विंडो में आप ऑफिस के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं जहाँ पर आप को पूरी जानकारी दी जा रही है और सरकार द्वारा बैनर भी लगवाए गए हैं जिसमें समय सीमा बताई गई है। और वहाँ पर आपको काउंटर दिख रहे हैं जहाँ से आपको फॉर्म भी मिलेगा और आपको जो फॉर्म सबमिट करना है आपको वहीं सबमिट करना है। और एक विंडो में आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है। आपको बताना चाहूँगा जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर आपको समय बताना है, आप किस समय पे आप एंटर कर रहे हैं, आपको डेट मेंशन करनी है और आपको ड्राइवर का नाम मेंशन करना है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर और कितने मेंबर आपके उस गाड़ी में ट्रैवल करने वाले हैं आपको ये भी बताना है और आपको उनका मोबाइल नंबर और एक रीज़न बताना है ताकि वहाँ पर जो ऑफिसर बैठे हैं वो आप की इंफॉर्मेशन ले सके और आपको बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दे सके। बस इतना ही करना है। और आज तारीख है 7 नवंबर, हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऑफिसर द्वारा फॉर्म भी दिया गया और जब हमने फॉर्म फिल करके सबमिट किया उनके द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया। फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऑफिसर को वो फॉर्म दिखाना है ताकि ऑफिसर उस फॉर्म पर स्टैंप लगा सकें और अपने सिग्नेचर कर सकें। और फिर वो ऑफिसर आपको वो फॉर्म फिर से देंगे और आपको उस फॉर्म की एक इमेज क्लिक करनी है। और इमेज क्लिक करने के बाद आपको फिर से वो फॉर्म ऑफिसर को सबमिट कर देना है। अब जो आपने इमेज क्लिक की है उस इमेज को जब आप जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर रहे होंगे तब आपको सिक्योरिटी चेक वो इमेज दिखानी है ताकि जो हमारी सिक्योरिटी के लिए जवान वहाँ पर बैठे हैं वो आपको अलो करें। बस इतना ही करना है और आप जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
Thanks for watching our video. Have a nice day. Thank you.